फ्रेंड्स नमस्कार, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर व कमेंट करें और मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे उसके लिए बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करें। फ्रेंड्स इस बार न्यू ईयर पे क्यों ना हम ब्राउनी बनाएं सिजलिंग, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिजलिंग ब्राउनी किस तरह से बनानी है। आप मेरी वीडियो अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स, मेरे स्टेप फॉलो करते हुए अगर आप ये ब्राउनी बनाएंगे आपकी ब्राउनी बहुत ही अच्छी बनेगी, टेस्टी बनेगी। मैंने यहाँ पे बिना सिजलिंग प्लेट के होटल जैसी हम एक स्टील की प्लेट में किस तरह से सिजलिंग ब्राउनी तैयार कर सकते हैं वो भी मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो फ्रेंड्स मेरे स्टेप एक एक फॉलो करते हुए आप ये ब्राउनी बनाइएगा। तो आइए फ्रेंड्स हम सिजलिंग ब्राउनी बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ब्राउनी बनाने के लिए सबसे पहले हम टिन तैयार करके रख देते हैं और माइक्रोवेव ओवन जिसमें भी हम बना रहे हैं कढ़ाई में कुकर में उसे हम 15 मिनट प्री हीट होने के लिए रख देंगे। तो हमने एक टिन ले लिया है और टिन में हम ब्रश से अच्छे से घी लगा देंगे और बटर पेपर काट के बटर पेपर टिन में अच्छे से इस तरह से लगा देंगे और टिन को साइड में रख देंगे। सबसे पहले हम ड्राई सामान को छान के रखेंगे, उसके लिए हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, एक छलनी लेंगे। यहाँ ये ब्राउनी फ्रेंड्स मैं बिना चॉकलेट के बना रही हूँ, बिना डार्क चॉकलेट के, तो आप मेरी वीडियो अंत तक देखिएगा। एक कप हमने मैदा ले लिया है, मैदा को छान लेंगे। तिहाई कप कोको पाउडर और दो टेबल स्पून और ले लेंगे, एक टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल लेंगे। चौथाई टीएसपी बेकिंग सोडा डालेंगे, हाफ टीएसपी बेकिंग पाउडर डाल लेंगे। अगर हम इसको भर के लेते हैं तो टीएसपी फुल हो जाता है, हमने आधा लिया है तो ये हाफ टीएसपी बेकिंग पाउडर है। सबको अच्छे से छान लेंगे, इसे हम साइड में रख लेंगे। अब हम लेंगे एक बड़ा बर्तन, अब हम बर्तन पे एक वही छलनी वापस फिर से रख लेंगे और एक टेबल स्पून पाउडर शुगर और आधा कप इस तरह से आधा कप और एक टेबल स्पून पाउडर शुगर ले लेंगे और अच्छे से छानना, जो दाने रह गए हैं उन्हें हटा लेंगे। आधा कप दही ले लेंगे, दही ज्यादा खट्टा ना ले। घी ले लेंगे, क्लेरिफाइड बटर हमने घी लिया है, देसी घी एक चौथाई कप, अच्छे से पिघला के गरम करके ले लेंगे। तीनों चीजों को अच्छे से फेंट लेंगे एकदम थोड़ा फूलने तक, और दही भी हमें ठंडा नहीं लेना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हमें सारी सामग्री लेनी है। ये देखिए घी और शक्कर और दही अच्छे से हमने फेंट लिया है, दही के रेशे नहीं दिख रहे हैं, ऊपर घी मक्खन की तरह दिखने लगा है। अब हम इसमें आधा टीएसपी चॉकलेट एसेंस डाल लेंगे। जो ड्राई सामान है इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे और दही में डाल के फेंट लेंगे, सारा एक बार में डाल लेंगे और आवश्यकता होगी तो हम थोड़ा दूध डालेंगे। अब हम इस तरह से धीरे धीरे इसमें ड्राई सामान को मिक्स करेंगे, एक चौथाई कप दूध डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। एक चौथाई कप दूध हमने पहले डाल दिया और एक चौथाई कप हमने और लिया है, अभी हम ये सारा एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, आधा डालेंगे और फिर से फेंटेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स जो हमने चौथाई कप दूध और लिया उसमें से हमारा आधा बच गया है, यानी कि सिर्फ दो टेबलस्पून दूध हमने और डाला है, एक दो टेबलस्पून, और इस तरह का हमें ब्राउनी का बैटर रखना है एकदम गाढ़ा। केक का बैटर जो हम बनाते हैं ना उससे हमें थोड़ा सा ये गाढ़ा रखना है, इस तरह से देखिए एकदम किस तरह से क्रीम की तरह की। स्पैचुला की मदद से हम ये सारा बैटर टिन में डाल देंगे, ये देखिए इस तरह से हमारा बैटर गिरना चाहिए। अब पूरा बैटर डालने के बाद में इस तरह से अच्छे से टैप कर देंगे, टैप करके पूरे टिन में अच्छे से फैला देंगे। अच्छे से टैप करके देखिए पूरे में फैला लिया है और अब हम इसे बेक होने के लिए रखेंगे। अब ढक्कन खोल के हम इसे टिन को सावधानी से इसमें रख देंगे इस तरह से, और 280 डिग्री पे 40 से 45 मिनट बेक होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स 40 मिनट हो गई है हमें ब्राउनी को बेक करते हुए, और अब हम खोल के चेक करेंगे इस
तरह से ब्राउनी में टूथपिक या कोई सलाई डाल करके और चेक कर लें। ये देखिए एकदम बिल्कुल साफ निकली है, कुछ भी नहीं हमारी सलाई पे लग के आया है, यानी हमारी ब्राउनी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इसे 15 मिनट ठंडा होने देंगे। 15 मिनट बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे, इसमें से बाहर निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ब्राउनी ठंडी हो गई है इतनी कि हम इसे डीमोल्ड कर सके। ऐसे चाकू से हम थोड़ा सा चारों तरफ घुमा लेंगे, अगर कहीं हमारी ब्राउनी टच होगी तो हट जाएगी। और इस तरह से ट्रे पे हम ट्रे को उल्टा रखेंगे और इस तरह से पलट के ब्राउनी को निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी हमारी एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी ये ब्राउनी बनी है। ये देखिए, अब हम इसे पीसेस में काट लेंगे। अब हम इसे इस तरह से पीसेस में काट लेंगे। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है और कितनी अच्छे से हमारी ब्राउनी के पीस निकल के आएंगे, आप देखना। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी स्पॉन्जी और सॉफ्ट हमारी ब्राउनी बन करके और तैयार हुई है। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप चाहें तो इस तरह से सर्व कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट सॉस डाल करके इस तरह से एक एक पीस को सर्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम करेंगे ब्राउनी को सिजलिंग, यानी गरम सिजलिंग। ब्राउनी किस तरह से सर्व करते हैं वो मैं आपको यहाँ वीडियो में बता रही हूँ। देखिए, एक प्लेट में चॉकलेट सॉस निकाल लेंगे और सबसे पहले हम इसको अच्छे से गर्म करेंगे। ये देखिए, हमारा चॉकलेट सॉस अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसमें बीच में इस तरह से ब्राउनी रख देंगे और इस तरह से आइसक्रीम और चॉकलेट सॉस डाल के सर्व करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम सिजलिंग ब्राउनी बना करके और तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सिजलिंग ब्राउनी बन के तैयार हो गई है। आप मेरी वीडियो देखते हुए ये बनाइए, खाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।